मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रे नामक एक अमेरिकी साइफाई एक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जो वर्ष 2022 में रिलीज हुई थी। फिल्म 1719 में उत्तरी ग्रेट प्लेन्स में शुरू होती है। युवा कॉमंच नारू अपने कुत्ते साड़ी के साथ जड़ी बूटी इकट्ठा करने जाती है, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह समूह को पीछे छोड़कर एक पेड़ पर कुल्हाड़ी फेंकने का अभ्यास करना शुरू कर देता है। वहां उसे जमीन पर कुछ पंजे के निशान दिखाई देते हैं और वह यही सोचता है कि वो एक सफेद पूंछ वाली हिरन हो सकता है और सफेद पूंछ वाले हिरन को ढूंढने के लिए उनका पीछा करती है, जिसका वह शिकार करने का फैसला करती है। विचार यह है कि चारों ओर छिपकर अचानक हमला किया जाए, लेकिन आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज़ जानवर को डरा देती है। नारू और सारी उसका पीछा करते हैं और नारू उस पर अपनी कुल्हाड़ी फेंकती है, लेकिन वो असफल हो जाती है और कुल्हाड़ी एक पेड़ पर अटक जाती है। जब तक वो उसे ठीक कर लेती है, साड़ी हिरन का पीछा करता है और गलती से उसकी पूंछ भालू के जाल में फंस जाती है। हिरन के बारे में भूलकर नारू अपने कुत्ते को बचाने के लिए दौड़ती है और कुछ उपचारकारी जड़ी बूटियों से उसकी पूंछ की देखभाल करती है। वो जाल का भी निरीक्षण करती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन आकाश की गड़गड़ाहट से वो फिर से बाधित हो जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसे एक रहस्यमय आकृति गिरती हुई दिखाई देती है और वह मानती है कि यह पौराणिक थंडरबर्ड है। यह विश्वास करते हुए कि यह अंततः उसके संस्कार आरंभ करने का एक संकेत है, नारू अपने भाई ताबे से मिलने जाती है और उससे अनुरोध करती है कि अगली बार जब वह शिकार पर जाए तो उसे अपने दल के साथ ले जाए, और जबकि वह संशय में है वह स्वीकार कर लेता है। फिर नारू अपने द्वारा एकत्र की गई जड़ी बूटियों को छोड़ने के लिए जनजाति के पास वापस जाती है। मुखिया के लिए कुछ दवाएं तैयार करते समय नारू की माँ अरुका को आश्चर्य होता है कि उसकी बेटी शिकार क्यों करती है जबकि वह कई अन्य चीजों में महान है, तो नारू अपनी माँ को समझाती है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि कबीले का सभी लोग ये सोचते हैं कि वह शिकार नहीं कर सकती। इस बीच ये पता चला है कि आकाश से आने वाली गड़गड़ाहट वास्तव में एक अंतरिक्ष यान की है जो प्रीडेटर नामक एक एलियन को पृथ्वी पर गिराती है। वो मजबूत और तेज है और उसकी तकनीक छलावरण के साथ आती है जो उसे अदृश्य बनाती है और साथ ही हीट विजन चश्मे भी देती है। नारू में वापस वो अपनी माँ की जरूरत के कुछ नारंगी फूल लेने के लिए जंगल में लौटती है और कुछ अपने बैग में अपने लिए रखती है। जब वो जनजाति में लौटती है तो उसे पता चलता है कि एक पहाड़ी शेर उनके एक आदमी को ले गया है और एक शिकार दल उन्हें ढूंढने के लिए निकल रहा है। नारू उनके साथ शामिल होने के इरादे से उनका पीछा करता है, लेकिन कुछ पुरुष उसे वहां नहीं चाहते क्योंकि उसे उनकी तरह शिकार करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था। ताबे अपने बचाव में आती है और बताती है कि वो ट्रैकिंग और चिकित्सा में अच्छी है, इसलिए उसे उनमें शामिल होने की अनुमति है क्योंकि वो उपयोगी हो सकती है। पेडिएटर भी उस इलाके में है और उसने एक सांप को भी मार दिया है। पहाड़ी शेर द्वारा छोड़े गए निशानों का अनुसरण करते हुए शिकार दल अंततः अपने घायल दोस्त पुही को ढूंढता है। शिकारी एक स्ट्रेचर बनाते हैं जबकि नारू पुही की चोटों की देखभाल करता है, जिसमें उसे कुछ नारंगी फूल खिलाना भी शामिल है जो उसके खून को ठंडा कर देगा। अब पार्टी पुही को वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन ताबे पहाड़ी शेर को खोजने के लिए पीछे रुक जाता है। नारू उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि शेर के अलावा भी कुछ और है। नारू ये भी कहता है कि अगर पुही को शेर ने हमला किया होता तो वो जीवित नहीं होता, मतलब किसी खतरनाक चीज ने शेर को डरा दिया होगा। हालांकि ताबे ने उसे ठुकरा दिया और उसे छोड़ दिया। सबसे पहले नारू पार्टी के साथ चली जाती है जैसा कि उसके भाई ने उससे कहा था, लेकिन जब वह अपने आसपास कुछ अजीब चीजें देखती है तो वह रुक जाती है। भालू के पंजे के निशान जो कि बहुत बड़े हैं, एक बड़ा सांप जिसकी चमड़ी निकाल दिया गया है और एक पेड़ के शीर्ष पर खून। वो ताबे को चेतावनी देना चाहती है, इसलिए पार्टी सुरक्षा के लिए पाके को उसके साथ भेजती है जबकि बाकी लोग अपने जनजाति में वापस चले जाते हैं। ये जोड़ी ताबे को ढूंढती है और नारू की योजना का उपयोग करके शेर का शिकार करने में उसकी मदद करती है क्योंकि ताबे उसे वो मौका देना चाहती है जो उसने मांगा था। जब ताबे चारा डालता है, नारू और पाके शेर का इंतजार करने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और मुलाकात उम्मीद से जल्दी हो जाती है। शेर ने ऊंची छलांग लगाते हुए पाके को धक्का मारते हुए पेड़ से नीचे गिराकर मार देता है, फिर नारू के पीछे जाने के लिए एक शाखा पर कूदता है। वह धीरे धीरे पीछे हटती है और भाले से खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह फिर से आकाश में गड़गड़ाहट से विचलित हो जाती है। इससे शेर को उसके पीछे आने का मौका मिल जाता है और वह उसे पेड़ से गिराकर नीचे गिरा देता है। जब नारू बाद में जागती है तो वह जनजाति में वापस आ जाती है और अरुका बताती है कि ताबे ने उसे बचा लिया और जंगल से सुरक्षित वापस लाया है। पुही भी अपनी दवा की बदौलत बच गई है, इसलिए अरुका को लगता है कि नारू को शिकार के बजाय शायद अपना जीवन चिकित्सा के लिए समर्पित करना चाहिए। उनकी बातचीत तब बाधित हो जाती है जब ताबे शेर के शरीर के साथ लौटता है, एक उपलब्धि जिसके लिए उसे सरदार द्वारा सम्मानित किया जाता है। नारू को अभी भी यकीन है कि जंगल में कुछ और खतरनाक चीज है और वह उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन ताबे उसे जाने नहीं देता है। वो पहले ही शिकार करने की कोशिश कर चुकी है और असफल रही है और उसकी शिकार करने के जिद ही था जो शेर को वापस लाया था। अगली सुबह नारू ने अवज्ञा करने का फैसला किया और केवल सारी के साथ रहस्यमय उपस्थिति का पीछा किया। जंगल के माध्यम से वह इस अज्ञात प्राणी के और अधिक सबूत ढूंढती रहती है, जैसे पेड़ों पर हरा खून और उन विशाल पंजों के निशान। पेडिएटर वास्तव में वहां से ज्यादा दूर नहीं है, इस बार उसकी खोपड़ी पाने के लिए एक भेड़िये का शिकार कर रहा है जिसे वो मुखौटा के रूप में उपयोग करने के लिए साफ करता है। दूसरी ओर नारू अपने शिकार के मामले में उतनी भाग्यशाली नहीं है।
चलते लक्ष्यों को मारना किसी पेड़ से टकराने जितना आसान नहीं है, इसलिए जब तक वो अपनी फेंकने वाली कुल्हाड़ी को संभालती है उसका शिकार जा चुका होता है। सौभाग्य से वो एक विचार लेकर आती है। वो एक रस्सी बनाने के लिए कुछ लताओं को बांधती है जिसे वो फिर कुल्हाड़ी से बांधती है जिससे वो उसे फेंक सकती है और बिना समय बर्बाद किए तुरंत वापस खींच कर ला सकती है। इससे अंततः उसे अपना और कुत्ते का पेट भरने के लिए खरगोशों के एक झुंड का शिकार करने का मौका मिलता है। काफी चलने के बाद नारू को खाल उतारे हुए बाइसन का एक झुंड मिलता है जिसके चारों ओर जमीन पर कुछ गोलियां पड़ी हुई हैं। हालांकि वह नहीं जानती कि गोलियां क्या होती हैं और सोचती है कि किसी अजीब प्राणी ने ऐसा किया है। जब वह उस क्षेत्र को छोड़ती है तो वह गलती से दलदल में चली जाती है। शुक्र है उसकी कुल्हाड़ी अभी भी उसके पास है, इसलिए वह उसे एक पेड़ पर फेंक देती है और जब वह ठीक से फंस जाती है तो वह खुद को बाहर निकालने के लिए रस्सी का उपयोग करती है। इस बीच प्रीडेटर की नजर बाइसन पर भी पड़ती है जो उसे चेतावनी देता है कि इलाके में खतरनाक शिकारी है। वापस नारू में नदी में नहाने के बाद उसे एक भूरा भालू मिलता है जिसका वह शिकार करना चाहती है। दुर्भाग्य से उसका धनुष टूट जाता है। आवाज सुनकर भालू नारू का पीछा करना शुरू करता है। सारी जानवर का ध्यान भटकाने के लिए कूदती है जिससे नारू को नदी में कूदने और बीवा बांध के नीचे छिपने का समय मिल जाता है। भालू फिर से उसके पीछे आता है, बांध को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक प्रीडेटर द्वारा बेरहमी से उसे पीछे खींच लिया जाता है। भालू द्वारा अपने ऊपर खून बहाए जाने के कारण नारू अंततः एलियन को देख पाता है और तैरने के लिए वापस नदी में कूदने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। प्रीडेटर उसे देखता है लेकिन उसे जाने देता है क्योंकि उसे वो खतरनाक नहीं लगती। जंगल में लौटने के बाद जब नारू नदी के दूसरी ओर चारों ओर देखता है तो उसे ताबे द्वारा उसे खोजने के लिए भेजे गए एक खोजी दल का पता चलता है। वे नारू की कहानी पर विश्वास नहीं करते क्योंकि ऐसा राक्षस उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता था और जब नारू जाने की कोशिश करता है तो वास्पे उसे रोकने के लिए उस पर कूद पड़ता है। नारू जमकर लड़ता है लेकिन वास्पे फिर भी जीत जाता है। उसे समूह के साथ शिविर की ओर खींचने के लिए बांध दिया जाता है। हालांकि जब वे कुछ अजीब आवाजें सुनते हैं और वास्पे की छाती पर लाल बत्तियां दिखाई देती हैं तो वे रुक जाते हैं। पेड़ों के बीच अदृश्य रहकर प्रीडेटर वासेप को गोली मारता है और मार डालता है, और जब वो अपने डार्ट को ठीक करने के लिए करीब आता है तो अन्य शिकारी उसे तीर से मारने में कामयाब हो जाते हैं। इससे छलावरण लबादा खराब हो जाता है और प्रीडेटर नग्न आंखों के सामने प्रकट हो जाता है। पुरुष उससे लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं लेकिन शिकारी दल प्रीडेटर का मुकाबला नहीं कर पाता और उन्हें आसानी से मार डालता है। जब वो लड़ाई से विचलित हो जाता है तो नारू अपना सामान वापस पाने के लिए वास्पे के शरीर के पास जाता है और रस्सी काट देता है जिससे वो भाग जाती है। जब वो इसे एक खुले मैदान में ले जाती है तो नारू को एक शिकारी मिलता है जो आगे की ओर देख रहा था। वो वापस लड़ना चाहता है लेकिन जल्द ही उसके शरीर पर भी लाल बत्तियां दिखाई देने लगती हैं। ये जानते हुए कि अब उनका क्या मतलब है, नारू भागने लगती है क्योंकि प्रीडेटर उस पर कूद पड़ता है और उसके साथ ही आदिवासी को मार डालता है। वो दुश्मन पर नजर रखने में इतनी केंद्रित रहती है कि उसे जमीन पर भालू का जाल नजर नहीं आता और उसका पैर उसमें फंस जाता है। प्रीडेटर अपने विकल्पों पर विचार करते हुए उसके पीछे आता है लेकिन वो अचानक भाग जाता है जब वो देखता है कि फ्रांसीसी व्यापारियों का एक समूह ये देखने आ रहा है कि कौन उनके जाल में फंस गया है। व्यापारियों ने नारू को बाहर खदेड़ दिया और जब वो बाद में उठी तो उसने खुद को उनके शिविर में एक पिंजरे में पाया। सारी उसकी तलाश में आई है लेकिन उसे पकड़ लिया गया है और बांध दिया गया है। सभी व्यापारी फर पहने हुए हैं और नारू को एहसास हुआ कि उन्होंने ही बाइसन को मारा था। इनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम राफेल है जानता है कि उसके साथ कैसे संवाद करना है और वह उससे प्रीडेटर के बारे में जानकारी मांगता है। वह सोचता है कि वह एक शिकारी है जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी की तलाश में है। नारू उन्हें कुछ नहीं बताता है जिससे व्यापारियों ने यह खुलासा करने का फैसला किया कि उन्होंने ताबे को भी पकड़ लिया है और अब वे प्रीडेटर को खून की गंध देने के लिए उसे चोट पहुंचा रहे हैं। फिर ताबे और नारू को प्रीडेटर को आकर्षित करने के लिए शिकार के रूप में एक पेड़ से बांध दिया जाता है ताकि व्यापारी उसे अपने छिपने के स्थानों से गोली मार सके। हालांकि व्यापारियों ने प्रीडेटर के छद्मवेश को ध्यान में नहीं रखा और वह उनके पास आया और उन्हें पता भी नहीं चला कि एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर दिया। चिल्लाने की आवाज सुनकर ताबे चिंतित हो जाता है लेकिन नारू उसे समझाता है कि प्रीडेटर चारा नहीं चाहता क्योंकि वह अलग तरीके से शिकार करता है और वह हमेशा उसे जाने देता है क्योंकि वह उसे खतरा नहीं मानता है। अपनी शिकार क्षमताओं के बारे में उसे बेहतर महसूस कराने के लिए ताबे ने कबूल किया कि वह केवल शेर को मारने में कामयाब रही क्योंकि उसने नारू की योजना का पालन किया था। इसलिए ताबे नारू को बोलता है कि अभी भी उसे कुछ सोचना चाहिए। उनकी बातचीत तब बाधित हो जाती है जब प्रीडेटर गुस्से में दहाड़ने लगता है क्योंकि उसका पैर भालू के जाल में फंस जाता है। फ्रांसीसी व्यापारी तुरंत उसके पीछे चले गए लेकिन प्रीडेटर जल्दी से ठीक हो गया और जाल को दूर फेंकने के बाद वह विभिन्न प्रकार के उन्नत हथियारों और उनकी गोलियों से बचाने वाली ढाल से उन्हें मारना शुरू कर देता है। फेंका हुआ जाल पेड़ के पास गिरता है जिससे नारू रस्सी को काटने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। अब मुक्त होकर ताबे कुछ घोड़ों को खोजने के लिए निकल जाता है और नारू साड़ी को बचाने के लिए जाता है जबकि प्रीडेटर शेष बचे अधिकांश लोगों को ग्रेनेड से बाहर निकाल लेता है। फ्रांसीसी शिविर में व्यापारी भागने के लिए अपना सामान उठा रहे हैं और वे सारी को मारने के लिए सोच रहे थे। नारू उनसे लड़ने और उन सभी को मारने के लिए कूदती है और एक बार जब वह अपने कुत्ते को मुक्त कर लेती है तो वह उसे ताबे को खोजने के लिए भेजती है। फिर वह अपनी चोटों पर जड़ी बूटियां लगाना शुरू कर देती है और इस तरह राफेल उसे ढूंढ लेता है।
उसका एक पैर कट गई है, इसलिए वो एक सौदा मांगता है। वो उसे अपनी फ्लिंटलॉक पिस्तौल देगा और दवा के बदले में उसे इसका उपयोग करना सिखाएगा। नारू स्वीकार करती है और अपने नारंगी फूल उसके साथ साझा करती है। उसे विदेशी तकनीक का टुकड़ा भी अपने पैर पर रखने का मौका मिलता है। इस बीच प्रीडेटर शिविर में जाने से पहले अपनी चोटों का भी ख्याल रख रहा है। नारू उसे आते हुए सुनता है और जल्दी से छिप जाता है, जबकि राफेल मरने का नाटक करता है। शुक्र है कि नारंगी फूलों के कारण उसके खून ठंडा है। ये चाल वास्तव में काम करती है और प्रीडेटर इसे तब तक नहीं देख सकता जब तक वह गलती से राफेल के ऊपर पैर नहीं रखता, जिससे वह चिल्लाने लगता है। जैसे ही सारी हमला करने के लिए आती है, प्रीडेटर तुरंत उसे मार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुत्ते को गोली मारी जाती, ताबे भी घोड़े पर सवार होकर आ जाता है। वो एक बार प्रीडेटर के सिर पर वार करने में सफल हो जाता है और तेजी से घेरे में घूमता है और वो एलियन के शॉट से बचने की कोशिश करता है। पिस्तौल का सही ढंग से उपयोग करने में असफल होने के बाद नारू प्रीडेटर का ध्यान भटकाने के लिए उस पर चिल्लाता है, जिससे ताबे घोड़े से कूद जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब प्रीडेटर और ताबे आमने सामने लड़ते हैं और चूंकि ताबे एक अच्छा योद्धा है, इसलिए प्रीडेटर लाभ हासिल करने के लिए अपना छद्मवेश धारण करने का फैसला करता है। वो ताबे को मारने के लिए पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन ताबे हार नहीं मानता और नारू को भागने का समय देने के लिए प्रीडेटर का पैर पकड़ लेता है। जनजाति में वापस एक अन्य खोज दल अरुका को बुरी खबर देने के लिए लौटता है। वे उसके बच्चों को नहीं ढूंढ सके। अरुका उनके लिए शोक मनाती है। उसी समय नारू अपने भाई की मौत पर रोते हुए नदी पर पहुंचता है और नहाता है। सारी उसे ढूंढती है और उसे उस क्षेत्र में अभी भी एक फ्रांसीसी व्यक्ति के बारे में बताती है, इसलिए नारू इस आदमी को मारने के लिए राफेल से लिए गए एलियन हथियार का उपयोग करता है। जब वह बाद में उठता है तो वह आदमी खुद को एक शिविर में पाता है, जहां नारू प्रीडेटर का शिकार करने के लिए खुद को तैयार कर रही है। उसने अपना चेहरा रंग लिया है और अपने खून को ठंडा करने के लिए कुछ नारंगी फूल खा लिए हैं। उसने फ्रांसीसी व्यक्ति को अपनी पिस्तौल रखने की भी अनुमति दी है, हालांकि वो खाली है। हालांकि उसकी चीखें प्रीडेटर को आकर्षित करती हैं, जो सशस्त्र व्यापारी को एक खतरे के रूप में देखता है और उसे मारने के करीब आता है। वो नारू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो उसे नहीं देख सकता, इसलिए नारू उसे पीछे से गोली मारने का मौका लेता है। एक पिस्तौल उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन इससे उसका मुखौटा गिर जाता है, जिसे नारू उस क्षेत्र की ओर भागने से पहले पकड़ लेता है, जहां उसने जाल तैयार किया है। प्रीडेटर खून के उस निशान का पीछा करता है जिसे नारू ने जानबूझकर छोड़ा था, और जब वह करीब आता है तो नारू उससे लड़ने के लिए उस पर कूद पड़ता है। कुछ वार करने और चट्टानों के बीच छुपकर उसकी ढाल से खुद को बचाने के बाद नारू सारी को ध्यान भटकाने के लिए भागने का आदेश देता है और प्रीडेटर को उस रेत में धकेलने में कामयाब हो जाता है, जिसमें वह पहले गिर गई थी। ये स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन नारू तैयार है। जब प्रीडेटर फिर से सामने आता है और गोली मारता है, तो नारू जल्दी से कूदता है और दूर चला जाता है और प्रक्षेप्य को उस मुखौटे से टकराने देता है जिसे उसने पहले वहां छोड़ा था। इससे प्रक्षेप्य पलट जाता है और प्रीडेटर को मार देता है। अगली सुबह नारू प्रीडेटर के सिर और पिस्तौल के साथ जनजाति में लौटता है, जो एक अन्य प्रीडेटर कहानी से हैरिगन का हथियार होने का पता चलता है। नारू अपने कबीले को चेतावनी देती है कि गोरे लोगों के उनके पास आने से पहले उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हर कोई उसके शिकार का उसी तरह सम्मान करता है जैसे उन्होंने ताबे के लिए किया था। फिल्म के अंत में उनके लिए अज्ञात अधिक प्रीडेटर जहाज पृथ्वी पर उतरने वाले हैं। ये फिल्म प्रे के लिए मेरी व्याख्या है। तो आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।